बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज देश की जनता, देश के किसान, देश के नौजवान देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए देश हित नहीं, दलालों का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। आप सभी के प्रणाम। अन्नदाता, मेहनत कश किसान भाई लोग के ई धान के कटोरा कहल जाए, गौरवशाली धरती के हम नमन करताने, मां मुंडेश्वरी ताराचंडी माता के इस पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। जिन लोगों ने एक एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। गरीब भूखा न सोए, त्योहार ठीक से मना सके, दिवाली और छठ पूजा ठीक से मना सके, इसके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था भी की गई है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। आज देश की जनता, देश के किसान, देश के नौजवान देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए देश हित नहीं, दलालों का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब जब बिचौलियों और दलालों पर चोट की जाती है, तब तब ये तिल मिला जाते हैं, बौखला जाते हैं। आज हालत ये हो गई है कि ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश वर्षों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग
जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा, भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।